हमने आई थिंक हेजकेल की किताब उसका 28 अध्याय से हमने शुरू किया, और उसी अध्याय को हम पूरी तरह से कंप्लीट करने से पहले ही वहीं पे मैं फिनिश किया। लास्ट आपने मिखाइल में माइकल के बारे में कंप्लीट किया था, सो टुडे वी वर कंटिन्यूइंग विद लूसीफर। हेलो, एक अभिषिक्त वर्शिप लीडर और अभिषिक्त ऐसा करूप था जो लोगों को आराधना में चलाने वाला था। आणि आपण पाहतो की एक अभिषिक्त असा करूप आणि जो देवा जो लोकांना आराधना मध्ये चालवत असे असा एक करूप परमेश्वराने निर्माण केला होता। ना, वर्शिप लीडर्स जो भी होते हैं वो अनॉइंटिंग से होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। आणि म्हणून जे आराधना करणारे आहेत, जे पुढारी आहेत आराधना करणारे, हे अभिषिक्ताने भरलेले असणं फार गरजेचं असतं। है ना, ये तो प्रभु यही चाहता है कि एक वर्शिप आराधना करने वाला जिनके अंदर सब कुछ प्रभु ने दान वरदान दिया आराधना स्तुति महिमा के लिए, वो अभिषेक से भरा हुआ एक आराधक होना चाहिए। आणि म्हणून परमेश्वराने ज्याला कोणी दा ज्याला कोणाला दान दिलेले आराधनेचं, त्याने अभिषेकाने भरलेला असा व्यक्ती असणं गरजेचं आहे। हाँ, सो यहाँ पे हम देखते हैं कि लूसीफर के बारे में कि वो बहुत ही चाहने वाला अभिषिक्त करूब था, है ना। कुछ कुछ आ, आ, आयतों में स्वर्गदूतों को करूब शब्द भी इस्तेमाल किया गया है। देन यहाँ पे हम देखते हैं, मैंने तुझे ऐसा ठहराया कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। परमेश्वर ने उसको ठहराया है आराधना के लिए। पाहतो पुढे की परमेश्वराने तशी योजना केली की तू देवाच्या पवित्र मंदिरावर होतास। परमेश्वराने त्याची त्याची तशी योजना केलेली होती। हाँ, उसी तरह से आराधना जो है स्तुति महिमा के लिए, वो ऐसा ही हम कर नहीं सकते। स्तुति आराधना परमेश्वर ठहराता है, परमेश्वर वो दान और वरदान देता है। आणि म्हणून आराधना आपण अशाच रीतीने करू शकत नाही। परमेश्वराची जी योजना असते, परमेश्वर त्या दाराने आपल्याला भरतो। ओके, और ऐसा स्वर्गदूत था कि वो बहुत ही आग सरीके से चमकने वाला और मनियों के बीच में चलता फिरता रहने वाला एक वर्शिप लीडर। आणि आपण पाहतो की तो असा स्वर्गदूत होता की तो अग्निप्रमाणे पाषाणातून धगधगणाऱ्या पाषाणातून तो फिरत असे। ना, जैसा वर्शिप लीडर्स क्या करते हैं, स्टेज पे हम मंच पे हम देखते हैं, है ना, बात करते हुए थोड़ा उधर इधर फिरते हुए बातें करते हैं, है ना। उस प्रकार से यहाँ पे वही पिक्चर हमको दिखाई देता कि एक चलता फिरता हुआ एक करूब वर्शिप लीडर लूसीफर का। आणि आपण पाहतो ज्या वेळेला आराधक त्या ठिकाणी स्टेजवर या बाजूने त्या बाजूने त्या ठिकाणी फिरत असतात, आराधना करत असतात, त्याप्रमाणेच आज चालणारा फिरणारा एक आराधना करणारा असा करूप परमेश्वराने निर्माण केला होता। ओके, उसके बाद हम देखते हैं कि लूसीफर को हम कुछ और बातें हम देखेंगे कि एक वर्शिप लीडर के अंदर में कौन सी बातें नहीं होना चाहिए। त्यानंतर आपण बघणार आहोत की एक आराधना करणाऱ्यामध्ये किंवा त्याच्या पुढाऱ्यांमध्ये कुठल्या गोष्टी नको। ठीक है, 15 आयत में, जिस दिन से तू सूझा गया और उसी दिन तक तुझ में कुटिलता ना पाई गई, उस समय तक तो अपनी सारी चाल चलन में निर्दोष रहा। आणि पुढे 15 वचनामध्ये आपल्याला बघायला मिळतं, तुला निर्माण केल्या दिवसापासनं अधर्म तुझ्या ठाई दिसून आला, तोपर्यंत तुझी चाल चालणूक यथायोग्य होती। है ना, तो हम देखते हैं यहाँ पे वर्शिप लीडर को कैसा था। वो एक निर्दोष था, चाल चलन में वो बिल्कुल निर्दोष था, है ना। उसका स्वभाव सही था, उसके अंदर कोई कुटिलता कोई बात नहीं पाई गई है। आणि आपण बघतो तो कसा आराधक होता, त्याच्यामध्ये कुठल्याही प्रकारची अधर्म नव्हता आणि त्याच्या चाल चालणूक जी आहे ही यथा आणि योग्य होती। ना, सो एक वर्शिप लीडर के अंदर में एक कुटिलता का बातें हो या कोई घमंड या कपट की बातें, जेलसी,
जलन करने की बातें हो, उस प्रकार की बातें नहीं होना चाहिए। एक वर्शिप लीडर का चाल चलन बिल्कुल निर्दोष होना चाहिए उनके चाल चलन में जब हम देखते हैं। आणि आपण पाहतो की जो आराधना करणारा आहे त्याच्यामध्ये कुठल्याही प्रकारचं त्या ठिकाणी गर्व नसता कामा नये, कुठल्या प्रकारचं घमेंड असता कामा नये आणि कुठल्या प्रकारची शेखी त्याने मिरवता कामा नये, तर एक अभिषिक्त तो असा आराधक असायला असण्याची गरज आहे। ओके, इस प्रकार से लुसिफर के बारे में भी हम 15 आयत में देखते हैं कि वो बिल्कुल सही था और निर्दोष रहा, ऐसा लीडर था। आणि असंच आपण यो लुसिफर बद्दल 15 वचनामध्ये पाहतो की तो यथा योग्य होता आणि कुठलीही चूक त्याच्या जीवनामध्ये तोपर्यंत नव्हती। 16 आयत में, परंतु लेन देन को बहुतायत के कारण तो उपद्रव से भरकर पापी हो गया, ऐसा लिखा है। आणि पुढे 16 वचनामध्ये आपण बघतो की तुझा व्यापार मोठा असल्याने तुझ्या हृदयामध्ये अपकार बुद्धीशिरून तू पातक केलेस। और उस कारण से परमेश्वर ने क्या किया कि उसी में से मैंने तुझे अपवित्र जानकर परमेश्वर के पर्वत पर से उतारा, ऐसा लिखा है। आणि मग पुढे मग परमेश्वराने काय केलं आपण बघतो, म्हणून मी तुला भ्रष्ट समजून परमेश्वराने पर्वतावरून लोटून दिले। और उसके बाद ऐसा लिखा है कि और हे चाहने वाले करूब, मैंने तुझे आग शरीर के चमकने वाले मणि मणि के बीच में नष्ट किया करके लिखा है। मग पुढे म्हणतो की हे पाखर घालणाऱ्या करूबा, त्या अग्नि पाषाणामधून काढून मी तुझा नाश केला आहे। तो यहाँ पे परमेश्वर ने वही पद से परमेश्वर ने क्या किया, उस लूसीफर को वहां पर्वत से यानी स्वर्ग पे जो पद है उस पद से उतार दिया, उसको इस पृथ्वी पर गिरा दिया है। आणि आपण पाहतो की परमेश्वर आणि मग काय केलेलं आहे की जो आराधक करूप जो होता त्याला त्याच्या पदावरून काढून या पृथ्वीवर त्याने पाडून टाकलेला आहे। कारण यह है कि यहां पैसा लिखा है कि उपद्रव से भरकर पापी हो गया था लूसीफर। आणि या ठिकाणी आपण बघतो की त्याच्यामध्ये शिरलेली होती त्यामुळे त्याने पातक केलं। और अपवित्र जानकर, परमेश्वर ने उसके अंदर के अपवित्र बात को देखकर जानकर उसे ठान लिया कि अब उस पद से उसको हटा दे, उसको उतार दे। आणि तो भ्रष्ट झालेला आहे हे परमेश्वर जेव्हा समजला त्यावेळेला आपण बघतो परमेश्वर आणि त्याच्या पदावरून त्याला काढून टाकलेला। और उसने क्या किया, उसने सोचा है लूसीफर 17 आयत में देखो, सुंदरता के कारण मेरा मन फुल उठा था। आणि पुढे 17 वचनामध्ये आपण पाहतो तुझ्या सौंदर्याच्या अभिमानाने हृदय उन्मत्त झाले होते। है ना, वो अपनी सुंदरता के कारण या हो सकता है अपने जो भी टैलेंट्स के कारण वो बहुत ही मन को फुल उठा, और उसके बाद में और वैभव के कारण तेरी बुद्धि बिगड़ गई थी, ऐसा लिखा है। आणि आपण बघतो की तुझ्या वैभव आणि तुझी बुद्धी नष्ट झाली होती असं वचन सांगतो। और इस प्रकार से इसके ये ऊंचापन, अपने आप को बड़ापन दिखाने के कारण से यहाँ पे वचन में क्या लिखा है, वचन में नीचे में लिखा, मैंने तुझे भूमि पर पटका दिया, ऐसा लिखा है। आणि आपण बघतो की स्वतःला उंच करण्याची त्याची जी बुद्धी होती त्याच्या ज्या इच्छेमुळे पुढे आपण वचनामध्ये बघतो की परमेश्वर म्हणतो मी तुला भूमीवर आदळले। देखो यहाँ पे वचन भी एक अच्छा प्रूफ है कि लूसीफर को उस ऊपर स्वर्ग के स्थान से भूमि पर उसको गिरा दिया। आणि या ठिकाणी वचन पण आपल्याला स्पष्ट रीतीने सांगतं की लुसिफराला परमेश्वराने स्वर्गातून भूमीवर आदळले। मैं आपके लिए एक और दो वचन पढ़ने के लिए कहूंगा कि इसी विषय को लेकर कि स्वर्गदूत को परमेश्वर ने क्या किया है, निकाल दिया गया, उसको भूमि पर गिरा दिया गया। आणि हेच विषयीचा आपण आणखीन एक दोन वचन मी तुम्हाला वाचण्यासाठी सांगेल ज्यामध्ये बघू शकतो की परमेश्वराने त्या ठिकाणी लुसिफराला भूमीवर आदळले आहे। ओके, उसके पहले भी मेरे ख्याल से एशिया नबी की किताब 14:12-17 तक भी हमने पढ़े थे, उसमें ऐसा लिखा है उसके साथ साथ उसकी सेनाएं भी गिराए दिया गया। आणि आपण यशयाच्या ग्रंथामध्ये 14वा अध्याय त्याच्या 12
14 वचनामध्ये आपण पाहिलेलं आहे की परमेश्वराने त्या ठिकाणी लुसिफर आणि त्याच्या बरोबर असलेल्या सैन्याला सुद्धा लुसिफर त्या ठिकाणी आदळलेला आहे. आप मेरे साथ निकाले एक वचन पढ़ेंगे, दूसरा पत्रस उसका 2 और 4 में क्या लिखा है. एक वचन दूसरे पत्र दूसरा अध्याय चौथा वचन दूसरा अध्याय उसका चौथा आयत में, क्योंकि जो परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा पर नरक में भेज कर उन्हें अंधेरे कुंड में डाल दिया ताकि न्याय के दिन तक बंदी रहे. ज्या देवदूतांनी पाप केले त्या देवाने सोडले नाही तर नरकात टाकले आणि न्यायनिवाडा करिता राखून अंधकारमय खळग्यामध्ये ठेविले. ओके, यहां पे हम देखते हैं कि इससे ये प्रतीति होती है कि वो लूसिफर के साथ साथ कई स्वर्ग दूत जो है जिन्होंने अपने आप को घमंड किया, पाप किया, अशुद्ध ठहरा गए और निर्दोष ठहरा गए, उन सारे स्वर्ग दूतों को इस भूमि पर गिरा दिया गया. और यहाँ पे भी ऐसा लिखा, पर नरक में बेच कर उन्हें अंधेरे कुंड में डाल दिया गया ताकि न्याय के दिन तक बंदी रहे. कुछ स्वर्ग दूतों को बांध के भी रखा गया. या ठिकाणी आपण वाचतो की केवळ लुसिफर आणि नैसर्गिक बरोबर असलेल्या ज्या ज्या देवदूतांनी केलं आहे, घमंड केलेला आहे, त्यांना परमेश्वराने स्वर्गातून खाली टाकलेलं आहे आणि त्यास नरकात टाकलेलं आहे आणि न्याय निवाडाकरिता राखून अंधकारमय खळग्यामध्ये ठेवलेला आहे. वचन म्हणून काही असे देवदूत आहेत ज्यांना परमेश्वराने अजूनही बांधून ठेवलेलं आहे. ओके, और ये सिर्फ इन सारे बातों का नतीजा किस कारण से है कि जिस स्तुति आराधना के पद में वो अपने आप को परमेश्वर से बढ़कर सोचे और उन्होंने प्रभु के दृष्टि में घमंड किए, अपने मन को फुलाए है अपनी सुंदरता, अपने टैलेंट के कारण, जिस कारण से परमेश्वर को ऐसी बातें नहीं भला नहीं रखा गया उसके नजर में, तो इसलिए उसे उतार दिया गया और उसके साथ साथ पूरी सेनाएं इस पृथ्वी पर गिर गए. आणि आपण पाहतो हे सर्व कशामुळे झालेलं आहे तर आराध्याच्या ठिकाणी यांनी आपल्या मनामध्ये त्या ठिकाणी पाप केलेला आहे, गर्व केलेला आहे आणि त्यामुळे परमेश्वराने त्यांच्या पदावरून त्यांना काढून टाकलेला आहे आणि पृथ्वीवर त्या ठिकाणी आदळलेला आहे. और यहां पे ऐसा लिखा है कि पर जिन स्वर्गदूत ने पद को स्थिर ना रखा, सॉरी यहूदा का किताब पहला अध्याय उसका 6 आयत को पढ़ेंगे. आणि यहुदाचं पत्र आपण त्याचं 6 वचन आपण वाचणार आहोत. यहुदाचं पत्र प्रगटीकरणाच्या आधी यहुदाचं त्याचं 6 वचन 6 अध्याय. फिर जिन स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर ना रखा वरन अपने नीच निवास को छोड़ दिया और उसने उनको भी उस भीषण दिन के न्याय के लिए अंधेरे में जो सदा काल के लिए है बंधनों में रखा है. ज्या देवदूतांनी आपले उच्च पद न राखता स्वस्थान सोडिले त्या सार्वकालिक बंधनात निबिड काळोखामध्ये महान दिवसाच्या न्यायाकरिता राखून ठेविले. देखो यहां पे क्या लिखा है, फिर उन स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर न रखा, वर्शिप का जो पद है, प्रेजेंट वर्शिप का जो पद है उसमें स्थिर नहीं रहे. आणि आपण पाहतो या देवदूतांनी काय केलंय. वचन म्हणतं ज्या देवदूतांनी आपले उच्च पद न राखता स्वस्थान सोडिले यांनी आपलं आराधनेचं पद त्या ठिकाणी राखलेलं नाही. और इस वचन से हमको ये प्रतीति होता है कि प्रियो कि हमें जो प्रभु प्रेजेंट वर्शिप का जो सेवकाय देता है वो पद को हमें संभाल के रखना बहुत जरूरी है. म्हणून प्रियांनो या ठिकाणी आपण पाहतो की परमेश्वर आपल्याला आराधनेची स्तुती व आराधनेची जी जबाबदारी देतो ते पद आपल्याला सांभाळून ठेवण्याची गरज आहे. ओके, तो यहां पे और वरन अपने अपने नीच निवास को छोड़ दिया ऐसा लिखा है. आणि आपण पाहतो की त्यांनी स्वतः स्थान जे आहे हे सोडलेलं आहे. सो ये एक बेसिक में वचन आपको दिया है कि जिन स्वर्गदूतों ने प्रभु के दृष्टि में पाप किया और विशेषकर वर्शिप लीडर लूसिफर, उसके साथ साथ वो पृथ्वी पर गिरा दिया गया, उसके पद से हटा दिया गया है. आणि आपण पाहिलेलं आहे की लुसिफरा सोबत ज्या ज्या देवदूतांनी पाप केलेलं आहे त्यांना स्वर्गातून काढून त्या ठिकाणी हटलून लावण्यात आलेलं आहे आणि त्यांना पृथ्वीवर पाडण्यात आलेलं आहे. ओके,
सो अभी पद से हटा दिया गया, इस बात को लेके अभी थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स के साथ, आप क्या सोचते हैं इस बात को लेके? आणि त्यांच्या पदावर काढण्यात आलं या विषयी आपण थोडक्यात आता चर्चा करणार सर्वजण. तुम्ही मला सांगा की तुम्हाला काय वाटतं की त्यांना त्यांच्या पदावरून काढलं म्हणजे नेमकं काय झालं? सो हम कुछ डिस्कस करेंगे 2 मिनिट के लिए. करूया 2 मिनिटासाठी. Yes. कितने बजे करेंगे? हाँ, ये 10 बजे तक है. हाँ, अरे स्टूडेंट्स कोई नहीं है, सब सोए हैं क्या? नहीं नहीं. Yes, तो बताओ फिर, इतना अच्छा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जा रहा है. ओके. उनका काम जो है वो काम उनसे हाथ से निकाल दिया. हाँ, निकाल दिया गया. और तो आप इस बात में आप क्या सोच रहे जब उनको हटा दिया गया, तो आप इसके बारे में क्या सोच रहे और बताओ? एक गोष्ट लक्षात घ्या की त्यांना त्यांच्या पदावरून काढण्यात आलं. जर हा विषय आपण बघतो तर तुमच्या मनात काय, तर तुम्ही काय विचार करत आहात? परमेश्वर ने उन्हें चुना था, एक अधिकार पद दिया था जो बहुत ऊंचा था, कि परमेश्वर की तरफ से आया था, लेकिन उसका उन्होंने रेस्पेक्ट नहीं रखा. यस यस, ये हटा दिया गया. यस यस, थैंक यू मैम. और अभी स्वर्ग में वो जगह खाली है प्रेजेंट वर्ल्ड. यस यस यस, यही मैं सुनना चाहता हूँ. वेरी गुड. और क्योंकि उनको वो पृथ्वी पर ये कर दिया. Yes, अभी बिल्कुल बिल्कुल. थैंक यू, गॉड ब्लेस यू मैम. और हम लोग भरेंगे. प्रेज गॉड, यही सुनना चाहता हूँ. वेरी गुड, थैंक यू. मैं यही सुनना चाहता था. अब ये जो पद हटा दिया गया है, ओके ठीक है, अभी स्टूडेंट्स को मौका देना, अभी टाइम खत्म हो गया. अभी मेरा टाइम है. ओके, थैंक यू. आपने जो बताए हैं, आप कौन बताया है, मेरे को नाम क्या है? लीना. थैंक यू. ओके है लीना सिस्टर, थैंक यू सो मच. ये जो पद है, जिस पद को हटा दिया गया, देखो हमने 3 महान स्वर्गदूतों के बारे में हमने सीखा है. ओके, लक्षात घ्या, आपण आता 3 मोठ्या देवदूतांबद्दल आपण आतापर्यंत शिकलेलो आहोत, ज्यांना त्यांच्या पदावरून काढण्यात आले. कौन कौन था वो, कौन कौन है? पहला कौन है? जिब्राइल, गैब्रियल, हाँ, मिकाएल एंड लूसीफर. हाँ, लूसीफर वर्शिप लीडर था. ओके, सो लूसीफर को हटा दिया गया, उसके साथ साथ कुछ सेनाओं को हटा दिया गया. तो वो लूसीफर का स्थान जो है ना, वो मिकाएल को नहीं दिया गया और वो जिब्राइल को नहीं दिया गया, वो जगह आपको और मुझे दिया गया. लक्षात घ्या, आपण पाहतो की देवदूत आहे, गॅब्रियल आहे, मिखाएल आहे आणि लुसिफर आहे. आणि आपण पाहतो की ज्यावेळेस लुसिफरला त्याच्या पदावरून काढून टाकण्यात आलेला आहे, ती जागा ना मिखाएलला देण्यात आली ना ती गॅब्रियलला देण्यात आली, पण ती जी जागा होती परमेश्वराने आपल्याला दिलेली आहे. ये कितना आनंद की बात है और इतनी बड़ी बात है, आप सोचो इस बात को. आणि या गोष्टीचा तुम्ही विचार करा की ही किती मोठी आणि आनंददायी गोष्ट आहे. ये पद हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण पद है प्रिय. आणि हे जे स्थान आहे, हे जे पद आहे, आपल्यासाठी खूप महत्वाचं पद आहे. इसलिए स्तुति आराधना के लिए आप अपने आप को कम महसूस नहीं करना. वो पद ऊंचा पद है जो स्तुति आराधना के लिए प्रभु देता है. परमेश्वर जे देतो उच्च असं पद असतं. इसलिए मैं बोलता हूँ, मेरे सोच के हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से देखा जाए तो पासवानों की जितना हम रेस्पेक्ट करते, वर्शिप लीडर की भी उतना भी आदर करो.
आणि म्हणून मला जे समजतं ते मला तुम्हाला सांगावं असं वाटतं की आपण आपल्या पालकांचा जेवढा सन्मान करतो तेवढाच आपण आपल्या वर्षिप लीडरचा काही आराधक आराधना करणाऱ्यांचा सन्मान करणं गरजेचं आहे. और दूसरी बात, वर्शिप लीडर भी आराधना पाने की योग्यता भी उनके अंदर होना चाहिए वर्शिप लीडर को. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे जे वर्शिप करणार हे त्याचे जे प्रवक्त आहेत त्यांच्यामध्ये सुद्धा त्या ठिकाणी ती कुवत असली पाहिजे की ती आराधना करू शकते. हमने वचन में सुना है कि वो किसी प्रकार के कुटिलता उनके अंदर नहीं होना चाहिए. अभिषिक्त व्यक्ति होना चाहिए, अनॉइंटिंग पर्सन होना चाहिए वर्शिप लीडर. उनके अंदर ना घमंड, ना किसी प्रकार की कपट, किसी प्रकार की अशुद्ध काम, पाप नहीं होना चाहिए. आणि आता आपण वचनानुसार बघितलेलं आहे की त्यांच्यामध्ये कुठल्या प्रकारचं घमंड, कुठल्याही प्रकारचं गर्व किंवा अशुद्धता त्या ठिकाणी असण्याची गरज नाही. ओके, फिर एक बार 1 मिनिट के लिए स्टूडेंट्स आप कैसे महसूस कर रहे कि वो पद आपको मिला. आणि पुन्हा एकदा तुम्ही सांगा की जे पद तुम्हाला मिळालेलं आहे आराध्यासाठी त्याबद्दल तुम्हाला काय वाटतं. वी आर व्हेरी हॅपी. या यू आर व्हेरी हॅपी. यस यस. और स्टूडेंट हमें उनका आदर करना चाहिए. यस यस. नहीं, ये पद आपको मिला तो आप कैसे महसूस कर रहे हैं? ग्रेट ग्रेट. ब्रदर, भाइयों में से किसी की आवाज सुनाई नहीं दे रहा मुझे. अच्छा 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 लग रहा है क्योंकि परमेश्वर का बोलो, परमेश्वर के सामने जो स्थान है वो हमको मिला है. यस. नहीं, वो लुसिफर का जो स्थान था वो हमको मिला है. आणि लुसिफरची जागा आता आपल्याला. यस, जो वर्शिप लीडर, महान अभिषिक्त करूब वर्शिप लीडर था, उसको हटा दिया गया, वो जगह आपके लिए और मेरे लिए दिया गया है. आणि जो अभिषिक्त करूब परमेश्वराने त्या ठिकाणी स्वर्गातून काढून टाकला ती जागा. सो इससे हमको ये सीखने को मिलता है कि हमें कितना गंभीर वो पद को लेकर हम कितना गंभीर होना चाहिए प्रभु की स्तुति आराधना के लिए. आणि म्हणून यावरून आपल्याला समजतं की परमेश्वराच्या स्तुती आराधना संबंधाने पदाविषयी किती गंभीर असण्याची गरज आहे. तो इस प्रकार से हम इस लुसिफर के बारे में बेसिक बैकग्राउंड हमने सीखा है. आणि अशा रीतीने आपण लुसिफरा संबंधाने जी महत्वाची पार्श्वभूमी होती ती आपण पाहिलेली आहे. और उसके लिए मैंने कुछ वचन रेफरेंस भी आपको दिया है कि कुछ स्वर्गदूतों को पृथ्वी पर गिरा गया है. आणि त्यासाठी तुम्हाला काही वचनाचे रेफरेंस सुद्धा मी दिले की त्या ठिकाणी त्याच्या बरोबर काही देवदूतांना स्वर्गावर. सो ये एक स्तुति आराधना का एक पृष्ठभूमि है जो मैं आपको बताना चाहता था. आणि ही एक स्तुति आराधनेची पार्श्वभूमी आहे जी मला तुम्हाला सांगायची होती. यही बैकग्राउंड है जो हमको सीखना चाहिए था, जो मैंने बोला आपको सिखाऊंगा. और हीच पार्श्वभूमी होती जी आपण शिकण्याची गरज आहे आणि जे मी तुम्हाला सांगितलं होतं की मी तुम्हाला शिकवेल. सो तभी जब वो पद हटा दिया गया, परमेश्वर क्या है, वो सर्वज्ञानी है कि उसको ये सब पता है कि अब सृष्टि का आरंभ होगा, उसमें मनुष्य बनाए जाएंगे, है ना. तो ये सारी बातों में ही परमेश्वर पहले से निर्णय लेके रखा है कि अब वो पद मनुष्यों को दिया जाएगा. आणि परमेश्वर सर्वज्ञानी आहे आणि त्याने त्याने त्या गोष्टीचा विचार केला की यानंतर मनुष्यांना बनवण्यात येईल आणि मग हे जी रिक्त जागा आहे ही मनुष्यांना देण्याची. ठीक है, अभी आने वाले दिनों में मैं आपको हेजकेल के किताब उसका 28:13 के अनुसार जैसा परमेश्वर ने डफ और बांसुरी बनाया था उनके अंदर में, तो कुछ बेबलिकल इंस्ट्रूमेंट्स के नाम भी मैं आपको लिखने के लिए कहूंगा. वो भी जल्दी बताऊंगा नेक्स्ट वीक में. बेबलिकल कुछ इंस्ट्रूमेंट्स का नाम भी मैं आपको दूंगा. मैं आठवड्यामध्ये या वचनानुसार जसं आपण हेजकेलच्या 28 बघितलं त्यानुसार मी तुम्हाला काही पवित्र शास्त्राशी आधारित काही वाद्यांचे नाव सुद्धा सांगणार आहे आणि त्याविषयी आपण शिकणार आहोत. ओके, तो ये है, ये रहा एक स्तुति आराधना का बेसिक बैकग्राउंड. और मैं कुछ और आगे कुछ लिखने के लिए आपको मैं कहूंगा, वो आप लिख लीजिएगा.
ही आता सुते आराधनेविषयी थोडक्यात पार्श्वभूमी होती. आता मी तुम्हाला काही लिहिण्यासाठी सांगत आहे ते तुम्ही कृपा करून लिहून घ्या. ओके ये सब कुछ काम पे हुआ कि सृष्टि के आरंभ के पहले से ही जो परमेश्वर स्तुति आराधना के योग्यता में ही था उस वक्त में स्वर्ग में ये सब कुछ हुआ है. आणि या सर्व घटना आता आपण बघतो कधी झालेल्या आहेत तर निर्मिती पूर्वी परमेश्वर स्वर्गामध्ये त्या ठिकाणी स्तुतीस योग्य असा आहे त्या वेळेला आपण पाहतो की या सर्व घटना घडल्या. ओके तो अभी हम पिछले लास्ट टाइम में मैं आपको कुछ ड्रॉइंग बनाने के लिए बोला था. आणि मागच्या आठवड्यामध्ये तुम्हाला मी एक तुम्हाला सांगितलं होतं चित्र काढायला सांगितलं होतं. हा कोई एक दो बंदा दिखा है जर कोणी एक देखता हूं कितना फेथफुल से काम किया देखना चाहता हूं उनका चेहरा. मैंने कोणी तुम्ही काम केलं आहे मला ते बघायचं आहे. आई रिमूव्ड बट हाफ ओनली पास्टर आई डिड कलर्ड कलर्ड हाफ ओनली. दैट्स ओके नो प्रॉब्लम दैट्स ओके नो प्रॉब्लम आई कैन शो. ओके एक बार दिखाओ आप दिखा सकते हैं. यस 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 व्हाई नॉट दिखाओ आप. यस थैंक यू गॉड ब्लेस यू बहुत ही सुंदर बनाए आप अच्छा असाइनमेंट किया आपने खूब चांगला बनवलेला. गॉड ब्लेस यू तुम्ही केलेले आहे प्रभुची स्तुती असो. देखो प्रेजेंट वर्शिप में प्रभु जी सिंहासन पे विराजमान होता है. देखो वो सिंहासन देखो और ये कितना जबरदस्त है उसके सामने खड़े होकर आराधना करने का पद हमको दिया प्रभु. आणि लक्षात घ्या की स्वर्गामध्ये असं सिंहासन आहे ज्या सिंहासनावर परमेश्वर विराजमान आहे आणि त्या परमेश्वरासमोर आपण आराधना करत आहोत ते पद देवाने आपल्याला दिले आहे किती महान गोष्ट आहे. थैंक यू सिस्टर बहुत ही खूबसूरत आप बनाए वो देख के मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है और इससे मैं देख कितना हमको प्रभु कैसे स्तुति आराधना की योग्यता में है सिंहासन पर विराजमान है. तुमचं चित्र बघून खरोखर मला आनंद होत आहे आणि यावर आपण बघू शकतो की परमेश्वर त्या सिंहासनावर आहे तो सर्व स्तुतीच्या आराधनेच्या योग्य आहे. ओके सो नाउ अभी हम बैकग्राउंड देके प्रभु की धन्यवाद हो. एनी क्वेश्चंस किसी के पास सवाल है उसमें. पास्टर मैंने कंप्यूटर पे एडिट किया वो भेज रहा हूं. ओके इसलिए मैंने नहीं दिखाया एडिट कंप्यूटर पे किया है क्योंकि हाथ से नहीं जम रहा था मुझे. ना दैट्स ओके कोई बात नहीं अच्छी बात है बहुत. आपने बना के दिए बस असाइनमेंट. एनी क्वेश्चन अभी तक जो स्तुति आराधना से जुड़ी हुई पृष्ठभूमि के बारे में बेसिक जो बताया उसके प्रति कोई क्वेश्चन है आपके पास. आतापर्यंत स्तुति आराधना संबंधाने जी पण पार्श्वभूमी शिकवलेली आहे त्या पार्श्वभूमी संबंधाने कोणाकडे काही प्रश्न आहेत का. नहीं दैट्स गुड. ओके सो आप समझदार हो आप समझ गए. एनी क्वेश्चन है तो आप मेरे को व्हाट्सएप से आप पूछ सकते हैं. ठीक है आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं फिर मैं आपको बताऊंगा. सो अभी हम आप अपने बुक में लिख लीजिएगा प्रेज एंड वर्शिप से जुड़े हुए. प्रेज जो शब्द है हिब्रू से जो कुछ बातें बोला गया वो हिब्रू शब्द आपको मैं भी बताना. आणि स्तुती व आराधना या संबंधाने आता आपण बघणार आहोत. तुम्ही तुमच्या वही मध्ये लिहून घ्या स्तुती व आराधना संबंधाने आणि खाली आपण बघणार आहोत स्तुती ज्या वेळेला आपण हा बघतो शब्द बघतो त्यावेळेस इब्री भाषेमध्ये त्या संबंधाने काय म्हणण्यात आलेलं आहे. ओके आप लिख लीजिएगा प्रेज जो शब्द है उसके लिए 7 हिब्रू वर्ड्स इस्तेमाल किया गया है. वो 7 हिब्रू वर्ड्स में आपको बताऊंगा. आज के दिन शायद पॉसिबल नहीं होगा पूरे सारे बताने के लिए. आणि स्तुती ज्यावेळेस हा शब्द आपण पाहतो त्यावेळेस पवित्र शास्त्रामध्ये स्तुती संबंधाने 7 असे इब्री शब्द वापरण्यात आलेले आहेत आणि मला वाटत नाही की आजच्या संपूर्ण क्लासच्या वेळेमध्ये मी ते पूर्ण करू शकेल पण आपण प्रयत्न करूया. ओके आप लिख लीजिएगा प्रेज आणि तुम्ही वरती लिहून घ्या प्रेज किंवा स्तुती. ओके जिसके हिब्रू शब्द 7 है.
आणि ज्याचे त्याच्यासाठी सात इब्री शब्द वापरले आहेत. ओके, फर्स्ट आप लिख लीजिएगा. आणि पहिला तुम्ही लिहून घ्या. हलाल, हलाल, एच ए डबल एल ए एल, हलाल. आणि पहिला शब्द लिहून घ्या हलाल, एच ए डबल एल ए एल. हा, एच ए डबल एल ए एल, हलाल. पहिला शब्द आहे हलाल, एच ए डबल एल ए एल. लिखे आप ओके. यस यस. हाँ, कैन यू रिपीट एक्चुअली अगेन स्पेलिंग. हाँ, क्या बोले? कैन यू रिपीट, कैन यू रिपीट द स्पेलिंग अगेन. शब्द आलेला आहे, तुम्ही चैट बॉक्स मध्ये बघून लिहून घ्या. यस, मैं फिर से रिपीट करूंगा, उसके पहले मैं कुछ और आपसे लिखवाना चाहता हूँ. आणि मी पुन्हा एकदा सर्व गोष्टी तुम्हाला सांगेल, पण आधी मला काही गोष्टी मला वाटतं तुम्ही आधी लिहून घ्याव्या. ठीक आहे. आप स्तुती के बारे में आप एक वर्ड लिखे हैं, अभी आप पॉइंट ए लिखो आप. आणि आता त्या शब्दाच्या खाली परत तुम्ही हा पहिला शब्द लिहिला आणि आता पहिला पॉइंट तुम्ही लिहून घ्या. अत्यावश्यक प्रशंसा के तत्व, आवश्यक प्रशंसेचे किंवा आवश्यक तत्व. हा, अत्यावश्यक प्रशंसा के तत्व, अत्यावश्यक स्तुती तत्व. उसमें नंबर ए आणि त्यामध्ये आकडा त्याच्याकडे किंवा ए असं तुम्ही लिहा. हा, ओके. स्तुती व प्रशंसा क्या है? स्तुती आणि प्रशंसा किंवा स्तुती व आराधना काय आहे? येस, येस, ओके. प्रशंसा व स्तुती क्या है? ओके, स्तुती व आराधना काय आहे? तो अब मैं आपको बताऊंगा, लिख लीजिएगा. ओके, मी तुम्हाला सांगेल ते तुम्ही लिहून घ्या. आप लिखो प्रशंसा को यदि हम, आणि तुम्ही पुढे लिहून घ्या प्रशंसेला किंवा स्तुतीला जर आपण बडी गंभीरता पूर्वक परखे तो, आणि जर गंभीरतेने आपण त्याला पारखलं तर, प्रशंसा के यदि हम बडी गंभीरता के पूर्वक परखे तो उसकी गहरा तक पहुंच सकेंगे. आणि जर स्तुतीला आपण गंभीरतापूर्वक पारखलं तर त्याच्या खोलीपर्यंत आपण पोहोचू शकतो. प्रशंसा को यदि हम बड़ी गंभीरतापूर्वक परखे तो उसकी गहराई तक पोहोच सकेंगे. आणि स्तुतीला जर आपण गंभीरतेपूर्वक पारखलं तर त्याच्या खोलीपर्यंत आपण पोहोचू शकतो. हेलो, यस सर, यस. प्रशंसा का सार, प्रशंसेचं किंवा आराधनेचं सार, स्तुतीचं सार, वास्तविक अर्थ या स्वभाव, हेलो, हेलो पास्टर,
हेलो सर। यस सर, कवरेज प्रॉब्लम है। ओके सर, सो फिर से रिपीट करूं मैं? यस सर, दूसरा पॉइंट फिर से। यस, वास्तविक अर्थ या स्वभाव क्या है? वास्तविक स्वभाव का अर्थ क्या है? क्या वास्तविक स्तुति व प्रशंसा का होना अनिवार्य है? अनिवार्य है, अनिवार्य है। प्रशंसा असण गरजेचं आहे का? क्वेश्चन मार्क। ओके, पुढे प्रश्न चिन्ह करा। इसमें किन बातों का होना अनिवार्य है? क्वेश्चन मार्क। आणि पुढे त्यामध्ये कोणत्या गोष्टी असणे गरजेचं आहे? प्रश्न चिन्ह। फिर से एक बार रिपीट करूंगा, क्या वास्तविक स्तुति व प्रशंसा होना अनिवार्य है? आणि वास्तविक आणि स्तुति आराधना असणे गरजेचं आहे का? इसमें किन बातों का होना अनिवार्य है? यामध्ये कोणत्या गोष्टी असणं गरजेचं आहे? तो आइए हम पहले पुराने नियम के दिए गए वाक्यांशों पर दृष्टि डाले। चला आपण जुन्या करारामध्ये दिलेल्या सर्वप्रथम वचनांकडे आपली दृष्टी लावूया। फिर से एक बार, तो आइए हम पहले पुराने नियम में दिए गए वाक्यांशों पर दृष्टि डाले। चला आपण जुन्या करारामध्ये दिलेल्या वचनांकडे आपली दृष्टी लावू। जो प्रशंसा व स्तुति से संबंधित है, ये स्तुति व आराधनेशी संबंधित आहे। जो प्रशंसा व स्तुति से संबंधित है, ये स्तुति व आराधनेशी संबंधित आहे। तथा उन्हीं के द्वारा हम उसके वास्तविक अर्थ को समझ पाएंगे। आणि ज्याच्या द्वारे आपण त्याच्या वास्तविक अर्थाला समजू शकतो। ओके, मुझे लगता है कि सब लोग लिख लिए है। मला असं वाटतं सर्वांनी लिहिलं असेल। तो आज ये पूरे इब्रू वर्ड्स नहीं बता सकता हूँ, हमारे पास समय कम है। मुझे सर वो इब्री शब्द आज मला सामी सांगू शकत नाही, कारण आपल्याकडे वेळ थोडका है। मैंने जो बताया सब लोगों ने लिखा है। आणि मी जे काय सांगितलं ते सर्वांनी लिहिले आहे का? यस यस, अब उसमें आप नंबर वन लिखो। आता त्याच्यामध्ये खाली एक आकडा द्या। ओके, प्रशंसा व स्तुति के लिए, स्तुति व आराधने करिता पुराने नियम में भिन्न शब्द है, विभिन्न शब्द है, वेगवेगळे शब्द आहेत। फिर से एक बार, प्रशंसा व स्तुति के लिए पुराने नियम में विभिन्न शब्द है। स्तुति व आराधने करिता जुन्या करारात वेगवेगळे शब्द आहेत, जिनको हम बारी बारी से देखेंगे, यांना आपण एक एक करून पाहणार आहोत। लिखो, जिनको हम बारी बारी से देखेंगे, यांना आपण एक एक करून पाहणार आहोत। ये शब्द युनानी भाषा में है, हे शब्द ग्रीक भाषेमध्ये आहेत। बस, ओके, सॉरी, हिब्रू भाषा में बोलते ना, माफ करा, इब्री भाषेमध्ये आहेत। ओके ओके, सो अभी बता रहा हूँ पॉइंट नंबर वन। उसमें वन जो बताया उसमें पहला है हलाल। आणि आता जो तुम्हाला पहिला पॉइंट सांगितला होता त्याच्यामधला पहिला तुम्हाला सांगितलेला आहे हलाल, एच ए डबल एल ए एल, हलाल। आणि एच ए डबल एल ए एल, हलाल। ठीक है, बता रहा आप लीजिएगा। हलाल का प्रयोग पुराने नियम में कम से कम 88 बार किया गया है। आणि हलाल या शब्दाचा उपयोग जुन्या करारामध्ये 88 वेळेस करण्यात आलेला आहे। कितने बार? कम से कम 88 टाइम्स 88 वेळेस करण्यात आलेला आहे। हाँ, ओके, इस शब्द का मूल अर्थ है, या शब्दाचा मूळ अर्थ असा होतो आवाज का स्पष्टता से उपयोग करना, आवाजाचा स्पष्टपणे उपयोग करणे,
आवाज का स्पष्टता से उपयोग करना, आवाजाचा स्पष्टपणे उपयोग करणे। इसके अतिरिक्त इसका अर्थ है, या व्यतिरिक्त याचा अर्थ असा होतो, डिंग मारना, घमेंड करना, गुणगान करना, गुणगान करने, तथा अत्यधिक स्तुति व प्रशंसा करना, किंवा अत्यधिक स्तुति व प्रशंसा करणे, स्तुति व आराधना करणे। महिमा प्रताप गौरव प्रकट करना, महिमा आणि गौरव प्रकट करणे। दिस इज अ हलाल, हा हलालचा अर्थ होतो। हाँ, उसमें और भी लिख लीजिएगा कि हलाल में क्या होता है, मैं आपको बताऊंगा। उसके पहले मैं आप मेरे तरफ ध्यान दीजिएगा। ऐसा वो अनखिन शब्द तुम्हारा संगत क्या तत्पूर्वी तुम्हें आधी माजा कड़े लक्ष्य दिया। हाँ, तो हमने इसके पहले कुछ क्वेश्चन मार्क्स लिखे हैं हमने ए पॉइंट में। मैंने अच्छा अगोदर अपन ए पॉइंट मध्ये काही प्रश्न लिहिलेले आहेत। एंड प्रेज, स्तुति जो होता है, स्तुति को हम बहुत सीरियसली, हमको उसको सीखने के दिल नहीं रखते, मन नहीं रखते हम। आणि लक्षात घ्या की स्तुति शिकण्याचा आपण पूर्णपणे मन कधी तयार करत नाही। तो प्रेज एंड वर्शिप करना चाहते है या हम उसकी महिमा करना चाहते है, तो ये सारे बुनियाद को अच्छे तरीके से परखना, जानना बहुत जरूरी है। आणि म्हणून जेव्हा देवाची स्तुती आराधना करायची आहे तर त्यावेळेला आपल्याला या सर्व पायाभूत गोष्टींना शिकण्याची आणि समजण्याची गरज आहे, है ना। और क्या वास्तविक स्तुती प्रशंसा का होना अनिवार्य है, क्या जरूरी है? आणि मग वास्तविक स्तुती आराधना करणं हे काय गरजेचं आहे का? येस, क्योंकि बायबल में लिखा है, इसलिए होना जरूरी है प्रिय। आणि हो, कारण पवित्र शास्त्रामध्ये ते लिहिलेलं आहे म्हणून ते करणं गरजेचं आहे। और हम देखते है कि इनके जो जो हलाल का जो मतलब होता है, इसमें कुछ एक्शन किया जाता है, एक्शन क्रिया के रूप में स्तुति किया जाना चाहिए। हेलो, हेलो सर, यस, सर आपको सुनाई दे रहा? Thank you.
यस सर यस मास्टर बहुत सॉरी सर एक्चुअली यहाँ पे लाइट चली गई तो इसकी वजह से वाईफाई बंद हो गया है मोबाइल से कनेक्ट कर रहा हूँ यस दैट्स ओके अभी मैं तो सिर्फ दो मिनट बात करने वाला हूँ ओके ओके सर प्लीज यस सब स्टूडेंट्स है ना जी जी एवरीवन इज देयर जो प्रैक्टिकली एक्शन में करना जरूरी होता है सर फिर से एक बार रिपीट करेंगे जो अभी हिब्रू वर्ड्स में सात शब्दों में पहला शब्द हलाल जो है हलाल जो मैं आपको लिखने के लिए कहा वो क्रिया रूप में किया जाना चाहिए क्रिया रूप में एक्शन में किया जाना चाहिए वो स्तुति आणि एक लक्षात घ्या की जो पहिला शब्द मी तुम्हाला आता हलाल सांगितलेला आहे हा जो शब्द आहे हा क्रियेद्वारे केला जाणारा शब्द आहे ओके तो उसमें और मैंने यहां तक कुछ लिखने के लिए कहा और भी लिख लीजिएगा हलाल मतलब होता है कि चमकना महिमा देना आणि हलालाबद्दल तुम्हाला तुम्ही आतापर्यंत लिहून घेतलेला आहे आणखीन लिहून घ्या की चमकणे किंवा महिमा देणे हा पण हलालाचा अर्थ होतो ओके हलाल शब्द जो है हालेलुया इस आधार शब्द से आता है आणि हलाल हा शब्द जो आहे हा हालेलुया या शब्दापासून येतो या इसका मतलब ये भी होता है कि या जश्न मनाना सेलिब्रेट करना सेलिब्रेशन करना इसका मतलब ये भी होता है जश्न मनाना हलाल का मतलब आणि हलालाचा अर्थ उत्सव करणे हा सुद्धा होतो और हमारे मस्तिष्क में उसके लिए क्या बोलते हैं मूर्ख बनना प्रभु के लिए मतलब बिना शर्माए प्रभु के लिए मूर्ख बनना ऐसा स्तुति करना आणि जसं काय आपल्या मनामध्ये आपण देवासाठी मूर्ख बनतो असा तो शब्द त्याचा अर्थ होतो परमेश्वरासाठी मनामधून मूर्ख बनणे हलाल मतलब ये क्या है ये एक प्रकार की स्तुति है ना ये प्रकार की स्तुति है स्तुति द्वारे केलेली स्तुति आहे ओके सो उसके लिए सैम 63 चैप्टर वर्सेस 3-4 आप रेफरेंस लिखो हलाल के लिए आणि त्यासाठी तुम्ही वचन लिहून घ्या स्तोत्र संहिता 63 वर्सेस पासून चैप्टर 63 वर्सेस 3-4 तीन से लेकर चार संहिता 63 2-3 वचन मतलब ये हमारी भाषा में ये सारे मतलब हमको दिखाई नहीं देते हमारी भाषा में तो स्तुति शब्द इस्तेमाल किया गया लेकिन हिब्रू भाषा में स्तुति के जगह में हलाल शब्द इस्तेमाल किया गया जिसमें जश्न मनाया जाता है और वो अपने आप को चमकने लगते हैं और आवाज स्पष्ट से उपयोग करते हैं और इस प्रकार से परमेश्वर की स्तुति करते हैं ऐसा एक्शन किया जाता है आणि आपल्याला आपल्या भाषांमध्ये हा शब्द बघायला मिळत नाही आपल्या भाषेमध्ये आपण स्तुती केवळ हाच एक शब्द बघू शकतो पण आपण इब्री भाषेमध्ये जर बघितलं तर इब्री भाषेमध्ये हलाल हा शब्द वापरण्यात आलेला आहे ज्याचा अर्थ कृतीद्वारे करण्यात येणारी आराधना असा होतो ओके सो अभी यहां पे मैं ये फिनिश करना चाहता हूं सो नेक्स्ट वीक में हम बाकी जो 6 पॉइंट से हम सीखेंगे और ये 6 पॉइंट्स जो है जिसमें एक्शन किया जाता है ओरिजिनल स्तुति का मतलब क्या है वो बातों को हम सीखने वाले हैं ठीक है आगे हम पढ़ेंगे आणि या वेळेला आपण थांबणार आहोत आणि पुढच्या आठवड्यामध्ये उरलेले जे 6 शब्द आहेत त्याच्याद्वारे त्याच्याबद्दल आपण शिकणार आहोत की कृतीद्वारे आणि बाकीच्या गोष्टींद्वारे कशा रीतीने आपण देवाची आराधना करू शकतो ओके